सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिपोन कैप्सूल के बारे में। इस मेडिसिन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है, ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर हम बात करें सिपोन कैप्सूल के प्राइस के बारे में, तो ये 3350 रुपये में आती है और एक स्टर पाएगी जिसके अंदर जो है आपको 10 कैप्सूल मिलेंगे। तो प्राइस जो है समय के अनुसार बढ़ता रहता है। जो आज का प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो है जीनो फार्म वालों की है। और अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें इस कैप्सूल में क्या है, तो देखिए इसमें मेन है आपका साइप्रोहेप्टाडिन जो कि 2 mg में रहेगा। ये मेन कंपोजिशन है, या मैं बोलूँगा यही एक कंपोजिशन इसमें है। अब इसको खरीदना कहाँ से है, तो देखिए जो भी लोकल एलोपैथी मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से खरीद सकते हो, लेकिन इसको जो है आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, अपनी मर्जी से ना लें तो बेहतर रहेगा। अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो है एक एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है, जैसे कि आपने सुना होगा सिट्रिजिन, तो ये भी जो है एक एंटी हिस्टामाइन जो है मेडिसिन में आती है। अब देखिए अगर आपको कोई भी एलर्जी है या कोई भी एलर्जिक कंडीशन में इस मेडिसिन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जैसे कि आपको खुजली होती है, शरीर में एकदम से खुजली होने लगती है, या फिर आपको स्वेलिंग आने लगती है, या शरीर में रैसेस होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में कई डॉक्टर इसको देते हैं। कई बार जो है जो शीत पित्त जो आपने नाम सुना होगा, तो उस शीत में भी जो है कई डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा अगर आपके आंखों में पानी आ रहा है, तो देखिए अगर आपको एलर्जी है ना, तो कई बार आपने देखा होगा आंखों में पानी आता है, आपको सर्दी हो जाती है, आपकी नाक बहने लगती है और आपकी जो आईज है आईज में भी खुजली होने लगती है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस कंडीशन में ये जो है मेडिसिन ली जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा छींक आना तो उसमें भी दी जाती है। और इसके अलावा इस मेडिसिन से जो है आपको भूख भी लगती है, मतलब ये मेडिसिन जो है भूख बढ़ाने का काम भी करती है आपकी सिपोन कैप्सूल, और आपने सुना भी होगा। तो देखिए भूख बढ़ाने का काम तो करती है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि इससे आप मोटे हो जाओगे। हाँ ये जरूर है कि आप ज़्यादा खाने लगोगे, ज़्यादा खाना खाओगे तो थोड़े बहुत तो मोटे हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा होना इसका साइड इफेक्ट होता है। तो भूख बढ़ाने के लिए भी ये मेडिसिन दी जाती है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। अब देखिए कई डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई भी जैसे सर्जरी होती है, किसी का ऑपरेशन होता है ना, तो उससे पहले जो पेशेंट होता है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब चिंता होने लगती है उसको, काफ़ी डिप्रेशन में जो है आने लगता है वो, तो उसके लिए भी कई डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब सर्जरी के पहले भी देते हैं, जिससे कि उसको जो है कोई भी चिंता वगैरह ना हो और एक अच्छी नींद आए। कई बार आपने देखा होगा पेशेंट सो नहीं पाता है कि भाई उसका ऑपरेशन होने वाला है, तो कुछ कुछ डॉक्टर उसमें भी जो है इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब ऑपरेशन से पहले भी देते हैं। तो देखा आपने इसके फायदे के बारे में, कितने सारे फायदे हैं और क्या क्या फायदे हैं, वो सभी जानकारी जो है मैंने आपको दे दी है। अब हम बात करते हैं डोज के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह से लेना है, क्योंकि देखिए ये जो है एक टेबलेट एक दिन में एक बार भी ली जाती है और एक दिन में 2 बार भी ली जाती है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है आपकी क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, और इसको जो है कुछ भी खाने के बाद लें, चाहे नाश्ता करो या खाना खाओ उसके बाद इसको ले सकते हैं। तो डॉक्टर से पहले सलाह करें इसके डोज के बारे में, क्योंकि आपको क्या डिजीज़ है, क्या बीमारी है, वो पहले पता करना जरूरी है। अब देखिए इसको मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, तो देखिए बच्चों का जो है एक सिरप आता है, बच्चों को नहीं देना है, बच्चों का सिरप आता है जो कि डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे पहले जो है आपको गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से सलाह लेना है, तभी इस मेडिसिन को लेना है, क्योंकि अननेसेसरी प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, भले ही वो फायदे वाली मेडिसिन भी हो, तो एक बार डॉक्टर से सलाह करें तभी इसको लें। अब देखिए साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए साइड इफेक्ट में सबसे पहला जो है इसका नींद आती है आपको इस मेडिसिन के बाद, हो सकता है कि हल्की हल्की नींद आने लगे, खास तौर से आप ड्राइव ना करें, आप कहीं पर भी जैसे जाते हैं गाड़ी चलाते हैं, तो उसको खाने अगर खाने के बाद गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इसको खाने के बाद नींद आ सकती है, ये इसका मेन साइड इफेक्ट है। बाकी अगर आपको कोई किडनी की बीमारी है तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह लें तभी इसको लें। और इसके अलावा हो सकता है कि आपका पेट वगैरह कुछ खराब हो जाए, पेट में दिक्कत हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है इस मेडिसिन को लेने के बाद, तो उसमें भी आपको इसको लेना बंद कर देना अगर ऐसा कुछ लगता है तो। और ये भी हो सकता है कि आपका थोड़ा सा मुंह सूखने लगे इस मेडिसिन को लेने के बाद, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पानी ज़्यादा पी सकते हैं। अब देखिए इसको कब तक लेना है, तो देखिए डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने बताया है कि आपकी बीमारी क्या है। इसको लॉन्ग टाइम तक नहीं लिया जाता है, मतलब लंबे समय तक नहीं लेना होता है। अगर आप लंबे समय तक लेते हो तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम ये मेडिसिन वीक कर सकती है। तो जैसे ही आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, या तो जैसे कि आप भूख बढ़ाने के लिए ले रहे हैं,
तो देखिए, भूख बढ़ाने के लिए तभी लेते हैं जब बहुत ही ज्यादा भूख कम लग रही है, अननेसेसरी अगर आप सही साइड खाते हैं, अगर थोड़ा कम भी खाते हैं तब भी मैं सलाह दूंगा कि आप ना लें। आप बहुत ही कम खाते हैं, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, ऐसा कुछ होता है तो तब डॉक्टर जो इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी हम जो है कोई भी मेडिसिन लेने लगे। अब मैं कुछ एडवाइस देना चाहूंगा अगर आप इस सिपोन कैप्सूल लेते हो तो देखिए, आपको अल्कोहल नहीं लेना है, और जैसा कि मैंने बताया कि ड्राइविंग संभाल के करें अगर आपने मेडिसिन खाई है तो, या तो जो है ड्राइविंग ना करें। इसके अलावा आप हेल्दी डाइट लीजिए, ये जो जंक फूड फास्ट फूड होता है सब मत खाइए, फ्राई वाला खाना नहीं खाइए तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, और अभी को डाउट इस वीडियो को लेकर तो आप कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड जो कि मैं डेली लाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।